के चंद्रप्रभा डैम के गेट और दीवारों से पानी रिस रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। किसान शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनते नहीं। किसान दफ्तरों का चक्कर काट काट कर परेशान हो गए हैं, मगर मजाल है कि अधिकारी सुने। लेकिन किसानों को एक आस तक जगी है जब उन्होंने ये पता लगा है कि अधिकारी डैम पर पिकनिक करने पहुंचे हैं, तो किसान तुरंत अफसरों के पास पहुंच गए। लेकिन ये बात अधिकारियों को रास नहीं आई। अफसरों ने किसानों पर मुकदमा करने की धमकी दे डाली। किसानों और अधिकारियों में कहासुनी हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अधिकारी किसानों को मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए और समझिए कि पूरा मामला क्या है। तस्वीरों में दिख रही दीवार और उससे निकलती पानी की फुहारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, पूरे आठ जगहों से दीवारों को चीरकर पानी अपना रास्ता तय कर रहा है। ये तस्वीरें हैं चंदौली के चंद्रप्रभा डैम की। तस्वीरें चंद्रप्रभा डैम की बदहाली की कहानी कह रही है। दीवार से रिसता पानी किसी अनहोनी के लिए न्योता दे रहा है। किसान शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी को क्या, अधिकारी पार्टी कर रहे हैं, किसानों से बदजुबानी कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो है समाधान। दरअसल चंद्रप्रभा डैम के सुलूस गेट और दीवारों से पानी रिस रहा है, जिसको लेकर किसानों में जबरदस्त आक्रोश है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन किसानों की आस रविवार को उस समय जाग उठी जब उन्हें पता चला कि सिंचाई विभाग के आला अफसर चंदौली पहुंचे हैं। फिर क्या था, किसान अपनी परेशानी लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन अफसरों ने तो बदजुबानी शुरू कर दी, मुकदमे की धमकी देने लगे। अफसरों की माने तो वो निरीक्षण करने पहुंचे थे। किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी पिकनिक करने पहुंचे थे। छोड़ करके उसको आया। नहीं नहीं ठीक है, धन्यवाद। घर परिवार छोड़ के संडे को आया। नहीं नहीं ठीक है। तुम्हारी पिकनिक कौन सी पिकनिक है यहाँ बताओ सर? यही प्रमुख पिकनिक है। बताओगे मैं पिकनिक? यही प्रमुख पिकनिक। ये तार बाबू आप पहले बैठिए, आप बैठिए, अभी बटन बंद, आप बैठिए, मैं बता रहा हूँ, आप बैठिए, पहले मत बोलिए, अब शांति हो गया ना। आप बात बोले जी, अब आप भाग गए, अब आप भाग गए, आप भाग गए, अब आप बह गए, बोलने दीजिए, 12 करोड़ मैं खा गया, अब आप बह गए। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, आप हमको पहचानते हैं, आपसे एक करें भैया गेट का प्लानिंग, हम नहीं बोल रहे हैं, तो अब आप सड़क गए हैं, आप अब बह गए, अब नहीं बोल रहे हैं तो आप बह गए। सुमारू बोले हैं, अभी हम वीडियो दिखा दे, मतलब हाँ दिखा लीजिए, आप क्यों इतना बढ़ा रहे हैं? हम लोग किसान है, परेशान है, आप उस परिस्थिति को नहीं समझ सकते हैं। हम लोग किस परिस्थिति में हैं? अब आप बहुत रहे हैं, करिए, देखिए कौन वकालतनामा लगाता है। खेती हो गई होती है हम लोगों की, नुकसान आपका। तो सुना आपने, किसानों की परेशानी सुनने के बजाय अधिकारी मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। हम लोगों ने कल जब सुना कि जो है चंद्रप्रभा पर अधिशासी अभियंता महोदय, अधीक्षण अभियंता महोदय और चीफ सोन महोदय आ रहे हैं, तब हम लोगों ने वहां पर गया और आपसे कहा कि महोदय ये हमारी समस्या है। उन्होंने तमतमा गए, कहा मैंने तक पिकनिक मना रहे हैं, आपने क्यों आकर के यहाँ पर जो है परेशान कर रहे हो, और आपने बार बार प्रार्थना पत्र दे करके हम लोगों को परेशान किए रहते हो, हम लोग पानी बहाएंगे, जो करना हो करो। उसके बाद जो है हम लोगों को उन्होंने तमतमाए भगाए और 112 नंबर बुला करके FIR करने के लिए पुलिस चौकी पर प्रार्थना पत्र भी दिया। जब इंडिया न्यूज अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए उनके दफ्तर पहुँचा तो ऑफिस से वो नदारद थे। एक्सीएन कार्यालय पर है, आप देख सकते हैं, सर्वेश चंद सिन्हा अधिशासी अभियंता, इनका बोर्ड लगा हुआ है। हालांकि साहब ऑफिस में नहीं है और बताया जा रहा है कि आप दिखाइएगा कि बात मीटिंग में हैं, बनारस गए हैं गोष्ठी में। हमने फोन किया उनका पक्ष जानने के लिए, जैसा कि कल एक घटनाक्रम हुआ था
घटनाक्रम ये कि कल निरीक्षण करने गए थे चंद्रप्रभा डैम पे, जैसा अधिकारियों का कहना है, और वहाँ पे किसानों ने पूछा कि चंद्रप्रभा डैम का आपने मरम्मत कराया पिछले साल, फिर भी लीकेज है, तो अगर पूछा तो उस पर जो अधिकारी हैं वो भड़क गए और किसानों के ऊपर FIR कराने की बात करने लगे। तो अभी हम उनका जब पक्ष जानने यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है जो बता पाए कि घटनाक्रम हुआ क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मतलब सारे ही सारे लोग XCN के नीचे जूनियर इंजीनियर होते हैं और भी अधिकारी होते हैं, वो सारे ही लोग नहीं हैं। सारे लोग, जैसा कि यहाँ पे जो स्टाफ है, इधर दिखाइएगा, स्टाफ्स का कहना है कि सारे लोग बनारस गए हैं, किसान गोष्ठी में गए हुए, खरीफ की गोष्ठी में। तो कोई अगर आए तो कोई पूछना चाहे किसानों की बात, तो कौन करेगा? सर, SDO लोग यदि आएंगे, हैं, कब आएंगे? 3 बजे करीबन। 3 बजे आते हैं और सुबह नहीं आते? नहीं, सुबह आते हैं, लेकिन आज बैठक है तो उधर से उधर चले गए। हाँ, चंद्रप्रभा डैम के बारे में जब DM निखिल निकाराम से सवाल किए गए तो DM साहब ने फंड का हवाला दिया। जी, चंद्रप्रभा डैम में एक नहीं काफ़ी सारी लीकेजेस है और उसके ऊपर सिंचाई विभाग द्वारा प्रयास भी किया गया था गत वर्ष, परंतु उसमें सक्सेस नहीं मिला था। उसके बाद कुछ टेम्प्ररी काम करके लीकेज को कम करने की कोशिश की गई है, परंतु अभी भी लीकेज थमा नहीं है, जिसकी वजह से बांध का जो पानी है सीपेज होके नीचे जो नहर है उसमें बह रहा है। इसके साथ साथ ये भी इसमें बताना जरूरी है कि केवल डैम का ही नहीं, जो रिजर्वायर है उसका भी पूरा रिपेयर होना है, और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है लगभग 12 करोड़ रुपये है, जो धनराशि अभी शासन से अप्राप्त है, प्रोजेक्ट स्वीकृत है, अब जब धनराशि प्राप्त होगा उसके बाद इस पे काम होगा और ये जो लीकेज है फिर उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों के जिस वीडियो पर हंगामा बरपा हुआ है, जब उस बारे में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से पूछा गया तो मंत्री जी साफ कह दिए, हमें इसकी जानकारी नहीं है। इसकी मेरे पास कोई जानकारी, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि कल खुद मैं भी गया था। अच्छा, ये बताइए जानकारी होगी तो क्या कार्रवाई करेंगे? अब वो तो जब तक आएंगे तब बताऊंगा मैं। दरअसल कुछ समय पहले ही करोड़ों रुपए की लागत से चंद्रप्रभा डैम के सुलूस गेट का निर्माण हुआ था, साथ ही डैम की दीवारों के पिचिंग का काम हुआ था। बावजूद इसके बांध के सुलूस गेट और दीवारों से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि बेलगाम अधिकारियों पर कौन नकेल कसता है और कैसे सुलूस गेट की सूरत बदलती है। चंदौली से अवनीश तिवारी के साथ न्यूज डेस्क इंडिया न्यूज UP UK। और हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता जुड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि अलग अलग इलाकों में ये लगातार शिकायतें मिल रही हैं। निकिता सरीन लखनऊ से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, चंदौली से मेरे सहयोगी अवनीश तिवारी हैं और पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निकिता का रुख कर लेते हैं। निकिता, ये कोई नई बात नहीं है, लगातार इस तरीके की वीडियो सामने आती रहती हैं, हम देखते रहते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही हो या फिर लोगों की समस्याओं को टालने की एक जो फितरत बनी होती है अधिकारियों की, वो दिखती रहती है गाहे बगाहे। अब ये जो मामला सामने आया है, इस मामले पर मैं थोड़ा डिटेल आपसे चाहूंगी निकिता। देखिए, चंदौली से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सिंचाई विभाग के जो कुछ अधिकारी हैं वो इंस्पेक्शन के लिए चंद्रप्रभा बांध के इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे, और जिस तरीके से जब गांव वालों और खासकर किसानों को इस बात का पता चला तो वो अपनी अपनी शिकायत और समस्या लेकर के उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि गांव वालों को वो इंस्पेक्शन कम और अधिकारियों का पिकनिक मनाना ज्यादा लग रहा है, इस पर जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पक्ष रखा और वो गुस्से में आ गए। अब ऐसे में जब हमने यहाँ सूबे की राजधानी अगर लखनऊ की बात करूं तो यहाँ पर मंत्री है स्वतंत्र देव जी, उनसे बात करने की, संपर्क करने की कोशिश की तो वहां पर उन लोगों ने बताया कि फिलहाल जो मंत्री जी हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी हमने कोशिश करने प्रयास जरूर किया कि आखिर क्या कुछ वजह है, ऐसी चीजें क्यों हुई हैं, गांव वालों की समस्याएं परेशानी क्यों सुनी नहीं गई, वहां पर धमकाने जैसी, जेल भेजने जैसी बातें आखिर क्यों होने लगी, तो इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है मंत्री की। तो
कहीं ना कहीं ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि हालांकि मंत्री इससे बच रहे हैं और फिलहाल कई ऐसे लोग हैं मंत्री आवास से, उनका ये भी कहना है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, वो इंस्पेक्शन नहीं था, वो पिकनिक मनाने नहीं गए थे, हालांकि बॉटल्स देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इससे वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो वीडियो है वो बिल्कुल वायरल है और साथ ही साथ यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो भी दिख रही हैं, किस तरीके से अधिकारी बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कोई भी इससे बात करने से कतरा रहा है। चंदौली का मामला है, अवनीश तिवारी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश, उसके बाद आपने अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी की लेकिन वही टालमटोल वाला रवैया नजर आया, उसके बाद क्या कोई किसी अधिकारी से आपका संपर्क हो पाया, इस वीडियो पर आप कोई प्रतिक्रिया ले पाए किसी से? जी, मैं आपको बताऊं, लगातार हमने कोशिश की कि अधिकारियों से बात करें, हम एक्सीएन के ऑफिस भी गए, एक्सीएन वहां मिले नहीं। हमने जब फोन किया तो बोले कि आवाज आ रही है, हम गोष्ठी में बाद में बात करेंगे। दोबारा हमने फोन किया तो फोन उठाया नहीं। बनारस से जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो वहां पे भी उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। तो कुल मिला के गोल मटोल जवाब है। मैं आपको बताऊं, इंडिया न्यूज लास्ट ईयर से मुद्दा उठा रहा है, और जब वहां पे पिछले साल चंद्रप्रभा डैम सूखा मंगाया और किसी भी तरीके से मरम्मत कराया के उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि वहां पे फिर से लीकेज जो है वो स्टार्ट हो गया। जी, वाराणसी से मेरे सहयोगी पंकज भी जुड़े हुए हैं। पंकज, उस इलाके में भी क्या लोगों की इसी तरीके की शिकायतें हैं, क्योंकि कमोबेश हर जगह हम देख रहे हैं कि अधिकारी हैं कि सुनते नहीं, बार बार हर मसले पर बातचीत करने की कोशिश होती है तो मीडिया से भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर हम बात करें, सिंचाई विभाग की बात नहीं है, प्रदेश के जो तमाम विभाग हैं कमोबेश यही स्थिति हर तरफ है। अगर आम जनता है अपनी परेशानी लेके जाती है या बात करना चाहती है, संपर्क करना चाहती है, तो सबको वही जो है तरकाने का प्रयास किया जाता है, उनको जो है पहलाने का प्रयास किया जाता है। अगर इस संदर्भ की बात करें चंद्रप्रभा बांध को लेके, तो हमने जब प्रवेश सिन्हा जो एक्सीएन है वहाँ की, तो उनको मैंने जब फोन किया, पहले तो एक बार उन्होंने फोन नहीं उठाया, बाद में फोन उन्होंने उठाया, फिर उन्होंने मुझसे भी यही कहा कि मैं गोष्ठी में हूँ, आज मुलाकात नहीं हो पाई, मैंने कहा मैं उसी स्थल पे हूँ, उन्होंने कहा मैं शाम को मुलाकात होगी, हमने कहा मुझे वर्जन आपका चाहिए, वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेके, मुझे संदर्भ में फाइट नहीं देनी है क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूँ। हमने कहा भाई आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, कैसी बात करते हैं। फिलहाल उन्होंने फाइट देने से मना कर दिया। उसके बाद हमने जब किसी मंत्री को भाई से संपर्क में जानकारी चाहिए मांगी, उन्होंने भी जो है बड़ा गोल मटोल जवाब दिया, उन्होंने कहा ठीक है। हमारे यूपी चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमारे संवाददाताओं से कुछ सवाल करेंगे। अरविंद जी, ओवर टू। सवाल है अवनीश से। अवनीश, पहले मुझे ये बताइए कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है, क्या हुआ वहाँ पे, उसके बाद ये बात क्यों बढ़ी, क्योंकि जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है वो दिखाई ये पड़ रहा है कि तीन अधिकारी बैठे हुए हैं, एक आदमी इसमें टोपी लगा के खड़ा है, जब किसानों ने अपनी बात उनसे कहनी चाहिए तो वो नाराज हो गया और किसानों को भला बुरा करने लगा। बीच का आदमी बैठा हुआ है, तीसरा आदमी और उत्तेजित हो गया और वो और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। सवाल ये उठता है कि कोई भी अफसर सिर्फ इसलिए होता है कि वो जनता की समस्याओं को सुने, लेकिन यहाँ पे जनता की समस्याओं को सुनने के दूर अफसर खुद ही कह रहे हैं कि नहीं जनता को जेल भिजवा देंगे, और पुलिस चौकी से इन लोगों के पास क्यों आ रहे हैं, कितनी शर्मनाक है, इनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी गई कि इनको गिरफ्तार किया जाए, आखिर वो क्या रहा है? अवनीश साहब को आवाज आ रही मेरी? घटनाक्रम की अगर बात, आवाज आ रही है सर? घटनाक्रम की अगर बात, तो लगातार शिकायत मिल रही थी, कोई जा नहीं रहा था, लेकिन कल चीफ और एक्सीएन और एक वहाँ के जो जूनियर इंजीनियर इन सारे लोग पहुंचे, तो किसानों को किसी तरीके से पता चला कि भाई अधिकारी आए, हम लोग कहे क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता होगा आपकी इंडिया न्यूज ने इसका मुद्दा उठाया था, लीकेज बनवाया गया था, लेकिन वो फिर से वैसे ही हो गया एज इट इज। तो पानी बह रहा है, किसानों की समस्या है, धान की फसल अभी उगानी है, तो किसान पहुंचे अपनी समस्या को लेके, तो जैसे पहुंचे तो वहाँ पे किसानों का जैसा कहना है कि वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट पड़े हुए थे, वो लोग पिकनिक मना रहे थे, जैसा वो पिकनिक स्पॉट भी है, बड़ा हरा भरा बड़ा खूबसूरत जगह है वो, तो लोगों ने कहा कि सर इस पे काम करने की जरूरत है, पिछले साल भी ऐसे रहा, अभी इस साल भी ऐसे रहेगा, तो पानी तो जाए।
काम जी। अविनाश अब इसमें ये बताइए कि डीएम महोदय तो खुद ही कह रहे हैं कि जो काम कराया गया वो तो काम हुआ ही नहीं है। डीएम ने तो सिंचाई विभाग के पूरे काम को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो सर्वे कराने के लिए इसलिए वहाँ अफसर इसलिए गए थे क्योंकि उसको ठीक कराया जा सके। तो सवाल ये उठता है कि जो इसके पहले पैसा आया था उसको उसका क्या हुआ? जी वो टोटल फेल्योर हो गया। एक बरेली की कंपनी को टेंडर दिया गया था, उसने आधा अधूरा काम कराया और वो काम जो कराया वो काम हो ही नहीं पाया। इनफैक्ट कह सकते हैं कि बोरी लगा के किसी तरीके से गेट को मरम्मत किया गया। आप समझिए कि कितना पुराना डैम, जो संपूर्णानंद जब थे तब चीफ मिनिस्टर तब का बना हुआ डैम, और उसके मैकेनिज्म अब 2024 में मैकेनिज्म इनके पास नहीं है कि ठीक नहीं करा पा रहे। निर्माण तब हुआ और मैकेनिज्म अब नहीं है इनके पास कि उसको ठीक करा पा रहे। तो समझिए किस तरीके की लापरवाही। वो पैसा आया, टेंडर हुआ, वो पैसा आया, उसका उसको मरम्मत कराया गया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ दिन तक सही रहा। फिर से जब पानी का दबाव बढ़ा तो फिर से लीकेज स्टार्ट हो गया, फिर से सारा का सारा वैसे ही हो गया, 7 जगह से पानी का लीकेज बरकरार रहा। अब डीएम का कहना यह है कि 12 करोड़ की जरूरत है, पूरा गेट मरम्मत होगा, जहां से पूरे जंगल से जहां से वो डैम स्टार्ट हो रहा है वो सारा कुछ मरम्मत कराने की जरूरत पड़ी है। अप्रूव हो गया प्रोजेक्ट, पैसा नहीं आया, इस तरीके की बातें की जा रही है। नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये फिर से बनेगा और फिर से नहीं टूटेगा? अब क्या हम किसी इंजीनियर को जोड़ सकते हैं पीसीआर इसमें, जो लोग वहाँ पे इस समय स्थापित हैं, जो वहाँ पे बड़े अफसर हैं, उनको क्या जोड़ सकते हैं? अगर हम उनको जोड़ सकते हैं तो जोड़ें। निकिता और पंकज मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज मुझे ये बताइए कि मैं मंत्री जी का बयान सुन रहा था, मंत्री जी का ये कहना है कि हमारे पास जब जानकारी आएगी तब हम इसको देखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के मंत्री जी ने ऐसा क्यों नहीं किया कि नहीं हम अभी पता करते हैं और आपको बताते हैं? सवाल है कि ये जो कल से चीजों को टालने की जो हालत है उससे कितना नुकसान हुआ है, ये मंत्री जी को आसानी से समझना चाहिए। पंकज जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से मंत्री जी ने जो बोल बोल जवाब दिया और जवाब जो हमने जो सवाल किया था उसका जवाब देने से बचते रहे, और उन्होंने कहा कि जब मुख्य नेता अगर वो बताएंगे जैसा होगा उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या कार्रवाई करनी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या मंत्री जी भी जो है इस प्रश्न से बचते नजर आए, उन्होंने भी इस प्रश्न का जवाब देना उचित नहीं समझा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि कृषि मंत्री है और किसानों की समस्या के संदर्भ में उनसे इंडिया ने प्रश्न किया तब उनका इस तरीके से बोल बोल जवाब देना, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बहुत जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया गया है मंत्री जी के द्वारा। जी सर, ठीक है। निकिता आप मुझे ये बताइए कि मैं आपकी बात सुन रहा था कि आप मंत्री जी के पास गए, उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके अलावा प्रमुख सचिव होते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के चीफ इंजीनियर होते हैं, तो ये बात कहीं तो जानी चाहिए थी। कोई तो इस पे कार्रवाई करता है, कोई तो इसको ठीक करता है। किसानों से किसानों को अफसर धमका रहे हैं, ये किस तरह की परिपाटी है निकिता? सबसे पहले जब मंत्री जी से हमारी बातचीत नहीं हो पाई तो राजमंत्री का भी पता करने की कोशिश की, लेकिन ये पता चला कि राजमंत्री फिलहाल लखनऊ में उनकी मौजूदगी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से जब ये जो वीडियो वायरल है मंत्री जी तक पहुंचाया गया तो उनके ऑफिशियल्स ने ये आश्वासन देने की कहीं ना कहीं जरूर कोशिश की, एक पॉजिटिव वाइब जरूर थी कि इस पूरे पे संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई भी आरोपी पाता है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन जरूर दायर होगी। लेकिन फिलहाल उन्होंने रूबरू होने से मना कर दिया, ये बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो अभी फिलहाल आराम करना चाहते हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है, ऐसे में कि बड़ी चीज जिस तरीके से वायरल हो रही है कि अधिकारी लीकेज चक्कर में जाते हैं और वाकई में जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि अधिकारी आए हैं तो जाहिर है सब अपनी परेशानी और दिक्कत उनको जरूर बताएंगे, तो ऐसे में उसका निस्तारण करने की बजाय अगर अधिकारी उन पर भड़क जाते हैं और उल्टा खुद ही जेल भिजवाने की बात करते हैं तो ये शर्मनाक बात जरूर है और कहीं ना कहीं अब मंत्रियों को उस पर जवाब। निकिता आप जुड़े रहिए हमारे साथ, किसान नेता रामप्रीत जी जुड़ गए। रामप्रीत जी मुझे बताइए कि आपके सामने सारी घटना हुई है, क्या घटना हुई है जरा विस्तार से बताइए दर्शकों को। जी सर, आपने क्या देखा? पूछिए सर। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपके सामने जो इंजीनियर लोग बैठे थे, आप लोग जब उनसे मिलने गए तो क्या हुआ? हम लोग किसान आदमी हैं, मिलने के लिए गए वहाँ से कि हमारे अधिकारी आए हुए हैं, तो लोग नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता भोजन कर रहे थे लोग, तो कहे कि आप लोग डिस्टर्ब हम लोगों को करते हैं, तो आपने कहा कि साहब करिएगा तो हम लोग आप लोगों को बंद करवा देंगे। नहीं,
नहीं तो आपने कहना चाहिए साहब हम लोग रोज आपको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, आप लोग का कोई आदमी हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं, तो हम हमें देते थे इसी से तो हम लोगों से रंज है कि तो हम लोग हमेशा प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। तीन साल से डैम खराब है, तीन साल से गेट खराब है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो भी कार्रवाई किया जाता है बरसात के दिनों में लिपापोती हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि क्या आप लोगों को मतलब उन्होंने क्या कहा, पूरी बात जरा बताइए रामदेव जी की। पूरी बात बता रहे हैं ना कि हम लोग जब गए तो वहाँ पर लोग नाश्ता पानी कर रहे थे तो हम लोग कहे भाई साहब हम लोग आए हैं किसान लोग, हम लोगों की बात सुना जाए। तो क्या सुना जाए, उसी काम के लिए तो हम लोग आए हैं। तो इसमें इसमें इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत थी, आराम से बता देते कि नहीं हम लोग। अरे आराम से हम लोग बता रहे थे, वो जो एक्सपीरियर हो गए थे उत्तेजित हो गए। लोग जो हमेशा कागज पत्र भेजते रहते हैं तो क्या करें, मतलब हाथ में हाथ बैठ के देखते रहे हमारी फसल सूख जाए और हम कुछ कहें भी ना। आज तीन साल से यही बात हम लोग रोना गए थे, किसान लोग पांच छह किसान गए थे यही बात कहने के लिए। क्या करें हम लोग जाएंगे जंगल में गए थे वहाँ पर यही कहने के लिए कि जल्द से जल्द हम लोगों का डैम ठीक हो जाएगी जिससे पानी का रिसाव बंद हो जाए। बहुत अच्छी बात कही। मैं पीसीआर से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई इंजीनियर हमारे साथ जुड़ा है, क्या कोई इंजीनियर हमारे साथ जुड़ा है? आपको नहीं बता पाएंगे सर, और नंबर है उन लोगों का हम लोगों के पास। हम लोगों की आवाज ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी, किसानों की सरकार जो होती है वो लोगों के लिए होती है और मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज सुनी जाएगी। और निकिता मुझे ये बताइए कि अभी आपने किसान की बात सुनी कि किस तरीके से ये पांच छह लोग आठ लोग जो है वहाँ पे अपना प्रार्थना पत्र अपनी फरियाद लेके गए थे और ये अफसर लोग वहाँ पे बैठ के चाहे नाश्ता कर रहे हों चाहे बैठे हों चाहे बात कर रहे हों, तो मैं समझता हूँ तो इतनी बड़ी नहीं बात थी नहीं जिससे कि इतना बड़ा विवाद हो। हम लोग किसान आदमी कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किए, सिर्फ इतना ही कहा गया कि मतलब कि हम लोगों की बात सुना जाए, लेकिन तो लोगों ने तैयार नहीं है। इन लोगों ने एक लाइन से खारिज कर दिया। भेजते रहते हो तुम लोग हमेशा भेजते रहते हो। अच्छा ये बताइए कि क्या आपको पुलिस थाने से फोन आ रहा है, क्या आपको ये धमकाया जा रहा है डराया जा रहा है? हाँ, थाने से बताइए आपके नौगढ़ का है बांध है चंद्रभा बांध पर उसी चौकी है, उसी चौकी से आ रहा है फोन कि आप लोग हाजिर होइए चौकी पर। ठीक है, इसमें अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं, अवनीश को आवाज आ रही है? जी सर। अवनीश इसमें इसमें कप्तान महोदय का अगर आप नंबर भेज दें तो हम उनसे भी बात करें, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये क्या व्यवस्था है कि कोई फरियादी अपनी फरियाद दे के अफसर के पास जाता है और उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दे दिया जाए और उसको फिर जेल भेजने की धमकी दी जाए डराया जाए, ये किस तरह के अफसर हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसके पहले जब इन्होंने बात बनाया था या बात की मरम्मत की थी तो वो बात तो फिर से टूट गया, वो जो रिसाव था वो तो बंद नहीं हुआ, तो सवाल ये कि उस समय जो इन लोगों ने पैसा खर्चा किया था वो पैसा कहाँ गया? जी अगर मैं सर्वे सिन्हा की बात करूं सर तो सर्वे सिन्हा का लहजा इसी तरीके का रहता है। एक दो बार हमने भी फोन करने की कोशिश की तो इस तरीके के उलूल झुलूल जवाब देना, इनफैक्ट मीटिंग से गायब रहना। अभी कुछ दिन पहले किसान दिवस था, मैं भी मौजूद था, किसान कई सारे आए थे लेकिन सर्वे सिन्हा गायब थे, जेई को भेज दिया था और इस टॉपिक पे जब बात हुई तो कोई बात ही नहीं बन पाई क्योंकि ऐसे ही गोल गोल घूम रही है चीजें और सर्वे सिन्हा मिलते नहीं, ऑफिस में फोन उठाते नहीं है, जब फोन उठाते भी है तो अलग तरीके की बात करते हैं। एक बार हमने फोन किया तो बोले 10 बजे पूजा करने का समय है, कह रहे सर पूजा करने का नहीं ऑफिस आने का समय है, बोले अभी हम पूजा कर रहे हैं आपके ने कैसे डिस्टर्ब कर दिया हमको, तो इस तरीके की बात करते हैं सर्वे सिन्हा। तो और ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो डीएम जो यहाँ के हैं निखिल पिफुंडे उनसे भी बात हुई तो ऑफ द कैमरा बताया उन्होंने कि बहुत सारी शिकायतें हैं सर्वे सिन्हा के खिलाफ और हमने चुनाव आयोग को भी लिखा है, चुनाव की प्रक्रिया से भी उनको दूर रखा। तो आप समझिए किस तरीके की चीजें हैं और किस तरीके के अधिकारी हैं जो जनता की सुनते नहीं है। हालांकि डीएम भी ऑन कैमरा बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन ऑफ कैमरा बोला उन्होंने कि इस तरीके की चीजें हैं, हमने शासन को लिखा है। अब देखना ही होगा कि क्या कार्रवाई हो पाती है उनकी उनके ऊपर। और दूसरी चीज, एक तो परेशानी किसानों की नहीं समझ रहे हैं, ऊपर से FIR करवा रहे हैं, पुलिस कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें 112 नंबर डायल करके पुलिस भी बुला दिया और अभी थाने चौकी से फोन आ रहा है लोगों के पास FIR करने के लिए। तो
समझिए एक तो अपना काम नहीं कर रहे, ऊपर से किसानों के ऊपर FIR करवा रहे। मैं अविनाश ये कहूंगा कि PCR क्या सर्विस सिन्हा से हम लोग बात कर पा रहे हैं, क्या उनसे बात हो रही है? PCR जो मुख्यालय है वो बनारस में है, इसके बड़े अफसर बनारस में बैठते हैं, कमिश्नर बनारस में बैठते हैं, तो अब इसमें क्या मतलब किस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी, किस तरह से जो है ये बात बड़े अफसरों तक पहुंचेगी जिससे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके? पंकज आवाज आ रही है आपको? जी 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 बता फिर से बोले। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आगे अब किस तरह से कार्रवाई इसमें होगी, क्योंकि कमिश्नर महोदय बनारस बैठते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बात आगे पहुंचनी चाहिए कि कोई भी अफसर जो है किसान से सलूकी नहीं कर सकता है। निकिता यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आखिर इसमें अब क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक गलत परिपाटी है, सरकार को बदनाम करने के लिए अफसर जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, जनता का काम ना करके मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है निकिता, बताइए मुझे। जिस तरीके से आपने भी बात कही कि सरकार हमेशा एक पॉजिटिव मकसद से काम करती है, और ये जो अधिकारी हैं जो लगातार सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक मुद्दा आपने भी उठाया था कि जो बात है, अगर किसान या वहाँ के जो वासी हैं अगर वो अपनी बात रख रहे हैं कि भाई उनको लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अधिकारी उसका जवाब ठीक से क्लियरली एंड कॉमनली भी दे सकते थे, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार है ऐसे में अगर अधिकारी आम जनता से इस तरीके से पेश आएंगे और उनको ही उल्टा धमकाएंगे, तो ये सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैसेज जरूर जाएगा। ठीक है निकिता, इसमें ठीक है निकिता, एक बड़ी खबर आ रही है कि सर्वे सिन्हा ने इंडियन न्यूज से बात करने से मना कर दिया है, और हम इस मुद्दे को तब तक उठाएंगे जब तक कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती। निकिता, हम उम्मीद करेंगे कि कल आप जो है इस विषय को लेके जो जल मंत्री स्वतंत्र सिंह हैं उनसे बात करेंगी, सिंचाई मंत्री हैं उनसे बात करेंगी, और पंकज और अविनाश से ये उम्मीद करेंगे कि वहाँ कमिश्नर और बाकी अफसरों से बात करेंगे जिससे कि यह सच्चाई लोगों के सामने आए, और उन किसानों से भी बात करके भेजें, और वहाँ पे जो चश्मदीद हैं, जो जो बाकी लोग हैं उनसे भी बात करें जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने किया जा सके। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपको धन्यवाद, थैंक यू।